हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है? वेव फ्रंट बेसिकली आप कह सकते हो, पहले फॉर्मल डेफिनेशन लिख सकता हूं। वेव फ्रंट इज द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। एक फेज में वाइब्रेट करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का लोकस, मतलब उन सब का ग्रुप, उसको हम क्या नाम देते हैं? वेव फ्रंट। जैसे इसका एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल पहले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पॉन्ड ऑफ वाटर है, मैंने उसमें एक स्टोन को ड्रॉप किया। स्टोन को ड्रॉप किया तो चारों तरफ रिपल्स उठेंगे। सो जब रिपल्स चारों तरफ जाएंगे तो ऐसे सारे पॉइंट जो सेम फेज में, उनको आप ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? वेव फ्रंट। ये कौन सा एग्जाम्पल होगा? सर्कुलर वेव फ्रंट। आप खुद सोचो, सर्कल में आपको चारों तरफ ऐसे गोल 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 दिखता है ना, ऐसे दिखता है ना, जब पॉइंट्स में पॉइंट में रिपल्स उठते हैं तो सर्कुलर शेप में आगे जाते हुए, वो सब क्या है? वेव फ्रंट। तो ऐसे सारे पॉइंट्स का ग्रुप जो सेम फेज में हो, सबके सब 90 फेज पे है, सबके सब 270 फेज पे है, उन सबका ग्रुप क्या कहलाता है? वेव फ्रंट। लाइट के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है? जब आपके पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगा तो थ्री डायमेंशंस में चारों तरफ लाइट जाएगी, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? गोल बनेगा। सर्कुलर नहीं बनेगा क्योंकि 2D नहीं है। पानी में जो रिपल्स उठे थे वो 2D था, ये क्या है? 3D। तो ये कहलाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, दूसरे टाइप का जो वेव फ्रंट है, दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का मतलब, अगर आपके पास एक लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स मतलब जैसे आप पतला सा एलईडी ट्यूब मान लो, लाइन सोर्स है, यू कैन कंसिडर इट टू बी कंसिस्टिंग ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस, सबकी वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। सबकी वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, सबको कंबाइन कर दो, आपके पास क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा। सो व्हाट डू यू गेट? अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, ये कब होता है? जब लाइन सोर्स हो। इन दो बातों से एक चीज पता लगती है कि वेव फ्रंट जो है, अच्छा अगर ये तो मैंने वेव पिक्चर बनाई, अगर रे के हिसाब से बोलूं, ये पॉइंट सोर्स है, लाइट ऐसे जा रही है चारों तरफ, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो अभी तक एक बात पता चली कि वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। जिस डायरेक्शन में वेव्स प्रोपगेट करेंगी उससे हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव फ्रंट। ठीक, अब तीसरे टाइप का वेव फ्रंट होता है, इसका नाम है प्लेन वेव फ्रंट। अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी हो तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, वेव की फॉर्म में बना रहा हूं, पैरेलल बीम आएगी वेव की फॉर्म में, तो वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा? सबको सेम फेज वालों को ज्वाइन करो, ये क्या बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट। मतलब अगर मैं रे के पिक्चर में बनाऊं तो इट इज समथिंग लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू इट, जैसे हमारा इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस बनती थी वैसे। ठीक, दो टाइप के और हैं। एक होता है कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। कन्वर्जिंग वेव फ्रंट मतलब जो एक पॉइंट पे आके मीट कर जाए, वेव फ्रंट जो एक पॉइंट पे मीट कर जाए, मतलब
स्फीयर्स विद डिक्रीजिंग रेडियस, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। जैसे ये पॉइंट सोर्स है, यहां पे लाइट आके मीट कर रही है एक पॉइंट पे, तो स्फीयर्स बनेंगे, रेडियस डिक्रीज हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। एक होता है डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। डाइवर्जिंग वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है, जहां से रे ऑफ लाइट स्प्रेड हो जाए, मतलब स्फीयर्स विद इंक्रीजिंग रेडियस। डिक्रीजिंग वाला कौन सा, कन्वर्जिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाला कौन सा, डाइवर्जिंग। एक पॉइंट है, रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, स्प्रेड आउट हो रही है, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग रेडियस का, इसको हम क्या नाम देंगे, डाइवर्जिंग रेडियस, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बहुत सिंपल, वन मार्कर क्वेश्चन, एक तो डायरेक्ट बनाने को आ जाएगा, दूसरा फॉर एग्जाम्पल आपको बोला प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस, स्केच रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, इस पे एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होने का मतलब ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होने का मतलब रेज ऑफ लाइट कैसी होंगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगी तो कैसे रिफ्रैक्ट होके क्या बन जाएगी, कन्वर्ज होके फोकस पे आ जाएंगी, यही होता है बेटा। सो व्हाट डू यू गेट अ कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। समझ में आई बात, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, कॉन्वेक्स में होगा तो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट मिलेगा, कॉनकेव में था सॉरी कॉन्वेक्स में है तो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट मिल रहा है, कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव लेंस होगा तो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट मिल जाएगा। इजी था ये तो पहला कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे, वेव ट्रैवल कैसे करती है, इसके लिए आता है हाइगन्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल समझो और फिर उसके बाद उसको अप्लाई करना सीखते हैं। पहला, इसके दो लॉज हैं हाइगन्स प्रिंसिपल के, पहला एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस called secondary wavelets which travel in all the directions with the velocity of light in medium। स्टेटमेंट की लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते, प्रिंसिपल है। ठीक है, मतलब क्या हुआ जरा वो समझो, सपोज ये पॉइंट सोर्स है, किसी भी मोमेंट पे मैंने वेव फ्रंट बनाया, ये वेव फ्रंट है, इसको नाम देते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, गिवन वेव फ्रंट मतलब प्राइमरी वेव फ्रंट की मैं बात कर रहा हूं, every point on a given wavefront act as a fresh source of new disturbance। इस पे जितने भी points हैं, ये सब नए point sources की तरह behave करेंगे। जितने भी मैंने points बनाए, ये सब नए point sources की तरह behave करेंगे, और इनका क्या नाम देंगे, secondary wavelets। pig के बच्चे piglet होते हैं, wave के बच्चे wavelet कहलाते हैं। So every point act as a fresh source, मतलब ये सारे के सारे नए point sources हैं। Point source है तो सबकी वजह से spherical wavefront बनेगा, तो इन सब का स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए, इन सब का क्या बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। इन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स विच ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शंस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड मीडियम।
ये कहलाते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। इतनी बात समझ में आ गई। देखो एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स विच ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड मीडियम। ठीक, ये पहला इसका स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है द सर्फेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन gives rise to new wave front called secondary wave front। मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने ज्वाइन कर दिए सबको टेंजेंशियली, ये बन गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब आगे बढ़ने के लिए ये हो जाएगा प्राइमरी। एवरी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स, फिर से क्या बनेंगे सेकेंडरी। तो इस तरह से वेव ट्रैवल करती है, समझ में आ गया। सो ये दो रूल्स हैं, दोनों वर्ड टू वर्ड कट पेस्ट होने चाहिए, लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। अब इसको जरा और ज्यादा डिटेल में देखते हैं। सपोज आपके पास ये पॉइंट है, पॉइंट सोर्स, किसी भी मोमेंट पे ये वेव फ्रंट है, ठीक है। आफ्टर टाओ टाइम डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, वी टाओ। नया वेव फ्रंट अगर मेरे को बनाना चाहता हूं तो मैं कैसे बनाऊंगा, स्पीड इनटू टाइम, वी टाओ, नया वी टाओ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इस पॉइंट से वी टाओ का आर्क आप आगे की तरफ लगाइए, हर पॉइंट से और उनको ज्वाइन कर दीजिए, आपके पास क्या बन गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। आप पीछे भी तो लगा सकते हैं, पीछे भी तो बन सकता है, पर इसने ये assumption ली कि हम सिर्फ फॉरवर्ड कंसिडर करेंगे। मतलब यहां पे जो मैंने एक सेकेंडरी वेवलेट्स बनाए गोल, टेंजेंशियली आगे भी ज्वाइन हो सकता है, टेंजेंशियली पीछे भी ज्वाइन हो सकता है, बट हम पीछे ज्वाइन नहीं करेंगे, आगे ही ज्वाइन करेंगे। क्यों आगे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वेव रिफ्लेक्ट नहीं हुई, एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये assumption ले ली इसने कि एनर्जी क्योंकि सिर्फ एक डायरेक्शन में चल रही है, इसीलिए सिर्फ हम फॉरवर्ड वो कंसिडर करेंगे, बैकवर्ड वेव, बैक वेव कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इस वेव थ्योरी के रिस्पेक्ट में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अगर मैं इससे रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मतलब आई इक्वल टू आर प्रूव करना चाहता हूं, मैंने एक प्लेन मिरर कंसिडर किया, ठीक, इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट है, ठीक है जी, नॉर्मल बनाते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, मुझे आई इक्वल टू आर प्रूव करना है, वेव फ्रंट बनाओ। ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड रेज का वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर होता है, इसको मैं नाम देता हूं इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक कोई टेंशन नहीं। अब आ जाते हैं एंगल्स पे थोड़ा सा और। एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर सेम होते हैं, तो ये भी एंगल आई हो गया। ध्यान से देखो, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल है
और इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट है, तो नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल होगा, इसके परपेंडिकुलर इसके बीच में सेम एंगल होगा। इसी तरह ये एंगल क्या हो गया, आर, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर इज सेम। इंसिडेंट वेव फ्रंट पे तीन पॉइंट्स लिए ए बी सी, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश, सॉरी ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ए डैश, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी डैश, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी डैश, और बीच का मैंने पॉइंट के मान लिया कहीं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, इसको क्लियरली लिख देते हैं। ठीक है, अब लेते हैं जी टाइम, टाइम टेकन बाय रे, बाय ईच रे, ईच वेव बोलना चाहिए, टाइम टेकन बाय ईच वेव इन ट्रैवलिंग फ्रॉम इंसिडेंट टू द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मस्ट बी कॉन्स्टेंट फॉर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट टू बी प्लेन। क्यों? देखो, ये आने वाली वेव्स हैं, ये आने वाली वेव थी। अगर ये अलग अलग टाइम पे रिफ्लेक्ट, अलग अलग टाइम लगेगा, तो एक इस फेज में पहुंचेगी, एक अलग फेज में पहुंचेगी, तो प्लेन वेव फ्रंट तो बनेगा ही नहीं ना। सो जितना टाइम इंसिडेंट वेव फ्रंट को लगेगा, उतना ही टाइम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को लगेगा। मतलब ए से ए डैश तक पहुंचने का टाइम, बी से बी डैश तक पहुंचने का टाइम, सी से सी डैश तक पहुंचने का टाइम सेम होगा। मैंने वो टाउ मान लिया, मतलब ए से ए डैश डिस्टेंस बोलूं, बी से बी डैश बोलूं, मतलब बी के प्लस के बी डैश, या फिर सी से सी डैश डिस्टेंस बोलूं, वो डिस्टेंसेस भी सेम होंगे स्पीड इनटू टाइम। ट्राइंगल कंसिडर करो, ए सी सी डैश, ध्यान दो, ए सी सी डैश ट्राइंगल में साइन आई कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया सी सी डैश अपॉन ए सी डैश, ये हो गया साइन आई, रख लो संभाल के, ये फर्स्ट है सेकंड मान लो। इसी तरह ट्राइंगल कंसिडर करो, ए ए डैश सी डैश, इस ट्राइंगल में साइन आर कितना होगा, परपेंडिकुलर मतलब ए ए डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी डैश, ये 90 डिग्री एंगल्स है ना बेटा, नॉर्मल से। सो ए ए डैश अपॉन ए सी डैश, ये हो गया साइन आर, मानते हो बच्चे, डिवाइड कर दो साइन आई बाय साइन आर, ये ए सी डैश कट गया, आपके पास आया सी सी डैश अपॉन ए ए डैश, वीटाओ अपॉन वीटाओ कट के कितना हुआ वन, मतलब साइन आई इक्वल टू साइन आर, मतलब आई इक्वल टू आर, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, एग्जाम में आ जाता है डेरिवेशन। दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन का प्रूफ कैसा होगा, ये आपके पास एक इंटरफेस है दो मीडियम का, दिस इज रेयरर दिस इज डेंसर, इंसिडेंट रे आई, दो ही बना रहा हूं, कॉर्नर वाली, बीच वाली की जरूरत नहीं है, उसमें मैंने बीच वाली बना ली थी, उसकी जरूरत नहीं है, नॉर्मल बनाओ, रेयरर टू डेंसर लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये आपके पास हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये बना रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है,
एंगल्स मार्क करते हैं. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी आई, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर इज सेम. आर, ये आर, ए, ए डैश, बी, बी डैश. फिर से वही ट्राइंगल ए बी बी डैश, साइन आई कितना हुआ. अब ए से ए डैश का डिस्टेंस और बी से बी डैश का डिस्टेंस डिफरेंट होगा क्योंकि स्पीड चेंज हो जाएंगी, टाइम सेम लगेगा. टाइम टेकन बाय ईच वेव फ्रॉम इंसिडेंट टू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मस्ट बी सेम. टाइम सेम लगेगा तभी प्लेन वेव फ्रंट बनेगा. हाँ स्पीड डिफरेंट हो जाएगी, हाँ वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएगी, बट टाइम सेम लगना चाहिए. इससे ए से ए डैश, यहां स्पीड मान ली v1, यहां स्पीड मान ली v2. ए से ए डैश का डिस्टेंस कितना हुआ, v2 इंटू टाउ, स्पीड इंटू टाइम. बी से बी डैश का कितना हुआ, v1 इंटू टाउ. सो साइन आई कितना हुआ, साइन आई हुआ बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, मतलब v1 टाउ अपॉन ए बी डैश रख लो. इसी तरह ट्राइंगल ए ए डैश बी डैश, इसमें साइन आर कितना हुआ, साइन आर हुआ ए ए डैश अपॉन ए बी डैश, मतलब v2 टाउ अपॉन ए बी डैश. सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड डिवाइड करो, साइन आई बाय साइन आर कितना हुआ, v1 टाउ अपॉन v2 टाउ, टाउ टाउ कट गया. साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू v1 बाय v2, v1 बाय v2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. प्रूव हो गया स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर. ठीक है, ये दो डेरिवेशन एग्जाम्स में काफी आती हैं. सो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में मेन पॉइंट्स, ये आपको पहले भी हमने पढ़े हुए हैं. रिफ्लेक्शन में दोबारा से, रिफ्रैक्शन में दो केसेस हो जाए, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर. पॉइंट्स ये मैं जान के दोबारा लिख रहा हूं, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे. रेयर टू डेंसर में वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तीन बातें करेंगे. वेलोसिटी सेम रहती है रिफ्लेक्शन क्योंकि मीडियम सेम है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है क्योंकि एनर्जी कंजर्वड रहती है, वेवलेंथ पे वही इफेक्ट होगा जो वेलोसिटी का होगा. क्यों, वी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो जो इफेक्ट वेलोसिटी का होगा वही इफेक्ट वेवलेंथ पे होगा, तो वेवलेंथ भी सेम रहेगी. रेयरर टू डेंसर में वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाती है. डेंसर टू रेयरर में वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाती है. फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी आप यूज करते हो, या फिर लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीडियम. ठीक है जी, ये सारी बातें क्लियर. तो ये तो था आपका, ये क्लास 11th में भी, ये अपना रे ऑप्टिक्स में भी आपने ये सारी चीज की थी कि कब क्या चेंज होता है, कब क्या सेम रहता है. फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती चाहे कुछ भी हो जाए. अगला केस है, अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे. ये जितना हमने पढ़ा ये बहुत एक आप कह लो कि इजी पोर्शन था, डायरेक्ट पोर्शन था, क्वेश्चंस बिल्कुल सीधे आते थे. अब आ जाते हैं मेन इस चैप्टर के कोर पे. उसमें सबसे पहला टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन टू वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन सुपरइम्पोज मिलती हैं एक दूसरे से, देन अ न्यू वेव इज फॉर्म्ड इन विच डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स. एक ऐसी रिजल्टेंट वेव बनती है जिसमें किसी भी मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स. वाई को हम क्या लिखेंगे, वाई वन प्लस वाई टू
प्लस अप टू वाई एन, ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है। मतलब दो वेव्स अगर सेम फेज में होंगी, एक ये वेव है एक ये वेव है, तो रिजल्टेंट एड अप हो जाएगा। अगर दो वेव्स ऑपोजिट फेज में होंगी, एक ऐसे है दूसरी ऐसे है, तो रिजल्टेंट बड़े में से छोटा माइनस पोलारिटी बड़े वाले की, ये रिजल्टेंट बन जाएगा। ठीक है, अगर ये लाइट वेव्स के केस में होता है, सुपरपोजिशन इन वेव्स ऑफ लाइट इज रेफर्ड टू एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरा अगर लाइट में हुआ तो ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब एड अप होता है वैल्यू जुड़ती है इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, जब सब्ट्रैक्ट होता है इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम इस इंटरफेरेंस की डिटेल्स पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस अगर आपको स्टडी करना है एक्सपेरिमेंटली, तो आपको किसी भी दो सोर्सेस से नहीं देखना होगा, आपके पास स्पेशल टाइप के सोर्सेस होते हैं सोर्स ऑफ लाइट, उनको बोलते हैं कोहरेंट सोर्सेस। कोहरेंट सोर्सेस, कोहरेंट सोर्सेस की हेल्प से हम इंटरफेरेंस को स्टडी करते हैं। कैसे? कोहरेंट सोर्सेस पहले होते क्या है वो समझते हैं, फिर इंटरफेरेंस समझने की कोशिश करते हैं। कोहरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? दीज आर मोनोक्रोमैटिक, मतलब सिंगल वेवलेंथ होगी इनमें। दीज आर मोनोक्रोमैटिक सोर्सेस हैविंग सेम वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज और हैव कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज जिनका सेम फेज हो, अगर डिफरेंस भी है तो कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस हो, सेम वेवलेंथ हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, मतलब आइडेंटिकल सोर्सेज, उनको हम क्या नाम देते हैं? कोहरेंट सोर्सेज। इसमें एम्पलीट्यूड शुड प्रेफरेबली बी इक्वल, नहीं भी हो चलेगा, एम्पलीट्यूड सेम हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो चलता है। क्यों? आगे एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा पॉइंट, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहरेंट। दो अलग सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स कभी कोहरेंट नहीं होते। एक ही मशीन से बने हुए दो बल्ब एक ही टाइम पे बने हुए, वो भी कोहरेंट नहीं होते। कोहरेंट सोर्सेस मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय अ सिंगल सोर्स। एक ही सोर्स से किसी तरीके से मैं दो सोर्सेस बना लूं तो कोहरेंट सोर्सेस बनेंगे। फॉर एग्जांपल, अ सोर्स एंड इट्स मिरर इमेज, वो क्या काम करेंगे? कोहरेंट सोर्सेस का। एक बल्ब लिया, सामने शीशा रख दिया, उसकी जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो और सोर्स दोनों क्या कहलाएंगे? कोहरेंट। बिल्कुल सेम है ना एक दूसरे के, तो ये क्या कहलाएंगे? कोहरेंट सोर्सेस। तो कोहरेंट सोर्सेस आपके दो इंडिपेंडेंट कभी नहीं होते, कोहरेंट सोर्सेस एब्सोल्यूट आइडेंटिकल सोर्सेज होते हैं। कोहरेंट सोर्सेज ऑब्टेन कैसे करोगे? एक ही सोर्स से दो बनाने पड़ेंगे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब अगला एग्जाम्पल जो कोहरेंट सोर्सेस का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है। इसने भी यही किया, एक सोर्स से दो सोर्स बनाए। कैसे? सेटअप समझो, इसके पास दो छोटी छोटी ओपनिंग वाला एक बैरियर था, ये दो छोटी ओपनिंग्स आपको दिख रही होंगी गैप। सामने रखी उसने स्क्रीन, इसके बिल्कुल मिडल में यहां पे रखा सोर्स,
इसकी वजह से लाइट चारों तरफ जाएगी। क्रेस्ट ट्रफ, मैं ये क्या बना रहा हूं, वेव बना रहा हूं, तो 3D है, तो ऊपर क्रेस्ट मैंने सॉलिड लाइन से बनाया, ट्रफ मैंने डॉटेड लाइन से, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, एवरी पॉइंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। तो ये एक सोर्स ये बना, एक सोर्स यहां बना, ऊपर वाला सोर्स क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट, नीचे वाले सोर्स पे आते हैं, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट। ठीक है, रफ डायग्राम बनाया मैंने। ध्यान दो, जहां पे दो सॉलिड लाइंस मीट करेंगी, मतलब वहां क्रेस्ट से क्रेस्ट मीट कर रहा है, जहां दो डॉटेड मीट करेंगी वहां पे ट्रफ से ट्रफ मीट कर रहा है, मतलब वहां पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये देखो, कंस्ट्रक्टिव 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 कंस्ट्रक्टिव, मतलब बीच में बिल्कुल आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसके साथ में देखो, क्रेस्ट पे ट्रफ, क्रेस्ट पे ट्रफ, क्रेस्ट पे ट्रफ, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। ऊपर भी क्रेस्ट पे ट्रफ, क्रेस्ट पे ट्रफ, क्रेस्ट पे ट्रफ, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। इसी तरह उसके साथ में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, ऊपर भी मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। सो ऑल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमम आपको मिलेगा। रफ डायग्राम के हिसाब से भी बहुत एक्यूरेसी आ गई। ठीक है, सो इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया, एक ही सोर्स लिया, उससे दो सोर्सेस बनाए, उन दोनों की जो लाइट निकली वो आपस में इंटरफेयर होके सामने स्क्रीन पे पैटर्न बन गया। ठीक, अब मैथमेटिकली समझो कि ये कब, ये ऐसा हो क्यों रहा है। पहले लॉजिकली समझते हैं फिर मैथमेटिकली समझेंगे। ये देखो, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने स्लिट को, ये दो सोर्स थे S1 और S2, सामने थी स्क्रीन, बिल्कुल मिडल में जितना लेंथ इसने ट्रेवल करा उतना ही लेंथ इसने ट्रेवल किया, हाँ कि ना। मतलब इसकी अगर एक दो तीन चार वेव्स यहां पे पहुंची तो उसकी भी चार पहुंचेगी, एक दो तीन चार, तो सेम फेज में पहुंचेगी, तो कंस्ट्रक्टिव तो होगा ही ना, है ना। अब मैं पॉइंट को थोड़ा नीचे कर देता हूं, ऊपर वाले को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, नीचे वाले को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, पाथ में फर्क आ गया, लेंथ ऑफ पाथ में। तो इसने अगर एक दो तीन चार पांच करी तो हो सकता है इसने एक दो तीन चार साढ़े चार की हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिनिमम डिफरेंस बढ़ रहा है ना। मतलब आधी वेव का जैसे ही फर्क आएगा तो एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ आना शुरू हो जाएगा। नीचे और आओ, लेंथ में गैप और बढ़ गया, ऊपर वाले की लेंथ बढ़ रही, नीचे वाले की कम हो रही है, लेंथ में गैप और बढ़ गया। जैसे ही एक वेव का पूरा फर्क आएगा तो ऊपर वाले ने लेट सपोज पांच ट्रेवल की, नीचे वाले ने तीन ट्रेवल की, फिर से क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ जाएगा, तो फिर क्या बना, मैक्सिमा। इसी तरह 1.5 वेव का फर्क आएगा तो क्या बनेगा, डेढ़ वेव का फर्क हो गया, तो एक ने पांच ट्रेवल की, दूसरे ने ढाई ट्रेवल की, तो आधी वेव का फर्क आ गया, डिस्ट्रक्टिव। सेम काम ऊपर, तो ऑल्टरनेट, सी सेंटर पे, सेंटर पे कोई फर्क नहीं है, दोनों की बराबर लेंथ है, सेंटर से थोड़ा नीचे आए वेव का फर्क बढ़ा, एक पॉइंट आएगा आधी वेव का फर्क हो जाएगा, जब आधी वेव का फर्क होगा तो क्या बना, मिनिमम। फिर और बड़ा एक वेव का फर्क आ गया तो क्या बना, मैक्सिमम। 1.5 का फर्क आया तो मिनिमम, 2 का फर्क आया तो मैक्सिमम, 2.5 का फर्क आया तो मिनिमम, 3 का फर्क आया तो मैक्सिमम। सो ऑल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमम मिलता है ऊपर भी नीचे भी। इसको अब हम मैथमेटिकली हम प्रूव करते हैं, थियोरेटिकली पेपर में प्रूव नहीं आएगा, कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए था वो। मैथमेटिकली हम आज के लिए पूरा नहीं कर रहे, आज हम एक पार्ट करेंगे,
आज हम निकालेंगे कंडीशन, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या क्या कंडीशन होगी, कब कंस्ट्रक्टिव बनेगा, कब डिस्ट्रक्टिव बनेगा। मैंने बोला कोहरेंट सोर्सेज, कोहरेंट सोर्सेज हैं, सो फर्स्ट सोर्स को ले लिया ए साइन ओमेगा टी, सेकंड को ले लिया बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ले सकता हूं। मैंने बोला प्रेफरेबली एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, जरूरी तो नहीं है, तो जरूरी नहीं था, फेज डिफरेंस ना हो तो चलता है, हो तो कॉन्स्टेंट हो, फाइव मैंने कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस मान लिया दोनों के बीच में, ये दोनों सुपर इंपोज हुए तो रिजल्टेंट वेव बनी y1 प्लस y2, हां कि ना, दोनों को जोड़ो a साइन ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t cos phi प्लस b cos ओमेगा t sin phi, लिख सकते हैं बेटा इन दोनों टर्म्स में से साइन ओमेगा t कॉमन ले लो, साइन ओमेगा टी कॉमन, ए प्लस बी कॉस फाइ, और अगली में कॉस ओमेगा टी अलग लिख लिया, बी साइन फाइ सेपरेट लिख लिया। क्यों किया मैंने ऐसा, अभी दिखाता हूं। अब इसको मैं साइन वेव की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, इसको मैं लूंगा आर कॉस, इसको लूंगा आर साइन। क्यों लूंगा ऐसा, ताकि आर कॉमन निकल के साइन ए प्लस बी की फॉर्म बन जाए। तो लेट a प्लस बी कॉस फाइ को मैंने ले लिया r कॉस थीटा, एंड b साइन फाइ को मैंने ले लिया r साइन थीटा। इसको सब्स्टिट्यूट करें तो जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बन जाएगी, r कॉमन साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। मानते हो बच्चे, ये बनेगी साइन ए प्लस बी की वैल्यू, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बन गया ये। तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आई आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आर क्या हो गया इसका एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, हां कि ना, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। ओके, आर निकालेंगे कैसे, टू फाइंड आर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, नाम दे देते हैं इसको फर्स्ट और ये है सेकेंड। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करो, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज ए प्लस बी कॉस फाइव, बी मिस हो गया, का होल स्क्वेयर प्लस बी साइन फाइव का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटे। स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया वन, राइट साइड पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए बी कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, हां कि ना, इस टर्म में से और इस टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो गया प्लस टू ए बी कॉस फाइव, ये आ गया आर स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव, किसी भी मोमेंट पे ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हुआ। जरा दोबारा देखते हैं, मेरे पास था पहली वेव थी ए साइन ओमेगा टी, दूसरी मानी बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों में फेज डिफरेंस है फाइव का, जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों को एड कर दोगे वाई वन प्लस वाई टू, साइन ए प्लस बी लगाया वाई टू वाले में, पहली दो टर्म्स में से साइन कॉमन ले लिया, जब साइन कॉमन लूंगा जो ये वाला टर्म है इसको आर कॉस थीटा, ये वाली टर्म को आर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया ताकि रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बन जाए। अब आर निकालने के लिए इन दोनों को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दिया, मेरे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ गया। अब देखते हैं कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, हां कि ना, कंस्ट्रक्टिव मतलब ऐड होना, ऐड कब होगा, जब रिजल्टेंट जो नेट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। आर मैक्सिमम कब होगा,
जब कॉस फाई अपनी सबसे बड़ी वैल्यू पे होगा विच इज प्लस वन, है ना। कॉस फाई प्लस वन कब होता है, जब फाई कितना होता है, जीरो, टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई एंड सो ऑन। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन, मतलब एन इज अ होल नंबर, ठीक है। सो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, टू एन पाई। अच्छा जी, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है लैम्डा बाय 2.25, अभी प्रूफ भी कर दूंगा, ये क्लास 11 में किया था आपने। पाथ डिफरेंस का फेज डिफरेंस के साथ रिलेशन होता है, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2.25, पुट करो लैम्डा बाय 2 पाई इनटू 2 एन पाई, 2 पाई 2 पाई कट गया, कितना बचा, एन लैम्डा। जरा ध्यान से सोचो, एन जीरो डालो, कोई पाथ डिफरेंस नहीं, कंस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस कहां पे नहीं था, सेंट्रल पे, तो एन इक्वल टू जीरो अगर मैं डालता हूं तो वो सेंट्रल मैक्सिमा को कोरस्पॉन्ड करता है। एन को वन डालो, एक पूरी वेव का पाथ डिफरेंस, एक पूरी वेव का डिफरेंस था तो क्या बना था, मैक्सिमा, तो ये होता है फर्स्ट मैक्सिमा, सेंट्रल के बाद वाला। एन इक्वल टू टू होगा तो दो वेव्स का फर्क, सेकंड मैक्सिमा। एन इक्वल टू थ्री होगा तो तीन वेव्स का फर्क, थर्ड मैक्सिमा। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या, एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, कॉस फाई वन हो गया, सॉल्व होके आया ए प्लस बी, दोनों एड अप हो जाएंगे। यहां तक क्लियर? तो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस क्या हुई, कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन हुई कि फर्क जो वेव्स का हो वो या तो हो एक भी वेव का फर्क नहीं जीरो, या वन वेव कंप्लीट वेव का फर्क, या दो वेव्स का फर्क, या तीन वेव्स का फर्क, या चार वेव्स का फर्क, फ्रैक्शन में ना हो, तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन। अब आ जाते हैं डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन पे। डिस्ट्रक्टिव के लिए आर क्या होना चाहिए, मिनिमम रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम, मतलब कॉस फाई इतनी सबसे छोटी वैल्यू पे होना चाहिए। कॉस फाई की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। माइनस वन कब होता है, 180 पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे एंड सो ऑन, मतलब 2n माइनस 1 पाई, वेयर n इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब नेचुरल नंबर। बहुत ध्यान से देखो, उसमें n क्या था, होल नंबर, इसमें n क्या है, नेचुरल नंबर, मैंने जान के लिया। अगर मैं 2n प्लस 1 लेता तो मैं n 0 से ही शुरू करता। आप कहोगे सर आप कॉमन क्यों नहीं ले रहे, कि हमें दिक्कत ही ना हो, नहीं आपको ऐसे लेने पे दिक्कत नहीं होगी न्यूमेरिकल में, आगे बताऊंगा न्यूमेरिकल्स में क्यों। सो n इक्वल टू 0 इन मैक्सिमम कोरिस्पॉन्ड्स टू सेंट्रल मैक्सिमम, n इक्वल टू 1 इन मैक्सिमम कोरिस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट मैक्सिमम आफ्टर सेंट्रल ऑब्वियसली, n equal to 2 is second maximum, n equal to 3 is third maximum. In minima, you start with n equal to 1, n equal to 1 corresponds to first minima, n equal to 2 corresponds to second minima. अगर मैं n 0 से शुरू करता तो n equal to 0 होता first minima, इसमें central minima नहीं होता। इसीलिए अगर suppose मैं किसी numerical में बोलता हूं कि third maximum और seventh minimum, तो अगर मैं आप 2n plus 1 लेते तो third maximum के लिए तो n 3 डालते, सेवेंथ मिनिमम के लिए n6 डालते, कंफ्यूजन क्रिएट होती, तो इसीलिए मैंने 2n माइनस 1 लिया, सेवेंथ मिनिमम बोला, n इक्वल टू 7 ले लो, कुछ नहीं करना। सो 2n माइनस 1 लोगे, n 1 से शुरू करोगे, मैक्सिमम है n 0 से शुरू करोगे, ठीक है। और देखते हैं, इसमें फेज डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2.25, तो रिलेशन बना 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, डालो n को 1 डालो, कितना है लैम्डा बाय 2, आधी वेव का फर्क क्या बनता है, मिनिमम। n इक्वल टू 2 डालो, 3.5 मतलब 1.5 वेव का फर्क, 1.5 वेव का फर्क मतलब क्या आ गया, मिनिमम। 2.5 का वेव का फर्क फिर से क्या आ गया, मिनिमम। वही चीज है जो मैंने थ्योरेटिकली निकाली थी। मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab व्हिच इज a माइनस b और b माइनस a व्हिच एवर इज पॉजिटिव, सो आई विल राइट इट लाइक दिस, मॉड ऑफ ए माइनस बी, जीरो नहीं होगा। सो अगर आप इंटरफेरेंस का पैटर्न देखोगे टेबल पे, इंटरफेरेंस का पैटर्न देखोगे स्क्रीन पे, तो आपको अच्छा नहीं दिखेगा। क्यों अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, कम होके जीरो नहीं पहुंचेगी, फिर बढ़ने लग जाएगी,
तो गुड कॉन्ट्रास्ट तब आपको दिखता है जब मिनिमम जीरो हो, इसीलिए मैंने बोला प्रेफरेबली एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए इक्वल, तो मिनिमम क्या हो जाएगा जीरो, अदरवाइज नहीं भी हो तब भी चलता है, गलत नहीं है, मिनिमम इंटेंसिटी आएगी फिर बढ़ने लगेगी। आगे अगली क्लास में और डिटेल में आऊंगा इस पे, ठीक है। सो आज के लिए हमारे पास ये कंडीशंस तक आपको करना था, मैक्सिमा की क्या कंडीशंस आई, जीरो वेव का फर्क, वन वेव का फर्क, टू वेव का फर्क, थ्री वेव का फर्क, मतलब होल नंबर में। मिनिमा की क्या कंडीशन आई, 2n-1 लैम्डा बाय 2, आधी वेव का फर्क, 1.5 वेव का फर्क, 2.5 वेव का फर्क, एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो रिलेशन मैंने लिखा, अब वो मैं उसका भी प्रूफ कर देता हूं, इसका यूज नहीं आएगा, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेट्स सी। ये आपके पास एक वेव है, ये दो पॉइंट्स हैं, इनमें पाथ में कितना फर्क है लैम्डा का, फेज में कितना फर्क है टू पाई का, टू पाई का फेज डिफरेंस है ना। सो इफ फेज डिफरेंस इज टू पाई, देन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, इफ फेज डिफरेंस इज यूनिटी देन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय टू पाई, इफ फेज डिफरेंस इज फाई देन पाथ डिफरेंस, उसको मैंने नाम एक्स दे दिया, वो जाएगा लैम्डा बाय 2.25। यही रिलेशन मैंने यूज किया था, ठीक है जी। आज का होमवर्क सुनिए, कोई न्यूमेरिकल नहीं है आज का होमवर्क, पहला रीडू थ्योरी इन राइटिंग, जितना मैंने आज लिखा है उसको अपने हाथ से लिख के कीजिए। दूसरा रीड टॉपिक्स 10.1 टू 10.9 फ्रॉम असाइनमेंट पेज 85 तक बिफोर इंपॉर्टेंट नोट्स, उसमें एक है 10.9 में इंपॉर्टेंट नोट्स, उसमें कुछ रिलेशंस हैं, वो अभी नहीं कराए मैंने, वहां तक का आपको नेक्स्ट क्लास तक ये कंप्लीट करना है, ठीक है। अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स होंगे और इंटरफेरेंस की बाकी डिटेल्स होंगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।